और इस बीच एक बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। सीबीएसई के सभी जोन के नतीजे घोषित हुए हैं। करीब 13 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा और cbserizults.nic.in पर देख सकते हैं नतीजे। और इसके लिए आपको अपना रोल नंबर टाइप करना होगा। करीब 31 लाख के आसपास छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था और 13 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, लेकिन लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे ये परीक्षार्थी, तो इनका इंतजार समाप्त हो गया है। सीबीएसई ने रिजल्ट घोषित कर दिया है 12वीं का और सारे ही जोन में एक साथ नतीजे घोषित किए गए हैं। तो पिछले साल सीबीएसई ने क्लास 10th का रिजल्ट 29 मई को जारी किया था और जबकि 12वीं का रिजल्ट 26 मई को जारी किया गया था, लेकिन इस बार थोड़ा पहले ये रिजल्ट घोषित किया गया है। तो आपको बता दें कि खासतौर से इंतजार 12वीं के छात्रों को रहता है, क्योंकि आगे उन्हें किस लाइन में जाना है इसके लिए प्रिपरेशन भी वो कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ से, क्योंकि अगर हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जाना होता है तो उसके लिए भी मार्कशीट लगती है और रिजल्ट की पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो ऐसे छात्रों के लिए अब और ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसीलिए लंबे वक्त से ये इंतजार भी कर रहे थे। और कैसे चेक करें ये रिजल्ट, ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी हम बता रहे हैं।